हेलो, माई सेल्फ सुखदेव चौधरी, और आज हम जेई मेन के पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं जो 7 जनवरी 2020 को हुआ था इवनिंग शिफ्ट में। उस पेपर का सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे कोई भी एक प्लेनर लूप है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, तो इस एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको अपन लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू फाई नॉट कॉस ओमेगा टी, और इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको अपन लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे जैसा कि अपन देख सकते हैं कि फाई और ई इन दोनों के बीच में पाई बाई टू का फेज डिफरेंस है, तो जब आपका जो फाई है वो मैक्सिमम होगा तो इस स्थिति में जो ई है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और ध्यान से देखना, देखो जब फाई ये क्या हो जाएगा, मिनिमम, तो इस स्थिति में ई है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे फाई मैक्सिमम कब हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपके पास में जीरो पे, एक कब हो जाएगा टी बाई टू पे, तो टी बाई टू कितना हो जाएगा आपके पास में 10/2 5 सेकंड पे हो जाएगा, और एक कब हो जाएगा ये 10 सेकंड पे। तो यहाँ पे इस टाइम पे ये मिनिमम हो जाएगा जीरो, ये 5 और ये 10, और फाइव वो मिनिमम कब होगा, टी बाई फोर पे और 3t/4 पे हो जाएगा। तो टी बाई फोर कितना हो जाएगा आपके पास में 2.5 सेकंड, और ये आपके पास हो जाएगा 7.5 सेकंड। तो यहाँ पे 2.5 पे और 7.5 पे, तो इस प्रकार से आपका जो आंसर नंबर 4 था वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अपने को पूछा जा रहा है कि ईएमएफ विल बी मैक्सिमम, तो ईएमएफ है वो मैक्सिमम कब हो रहा है 2.5 पे, और मिनिमम कब हो रहा है, मिनिमम हो रहा आपके पास में 5 सेकंड पे। तो ये 5 हो गया और ये आपके पास में 2.5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 अपन डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर ऐसे दे रखा है कि अपने पास में कोई भी एक स्ट्रिंग है जिसको आपने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है 45 डिग्री पे फिक्स कर रखा है, तो ये जो 10 है इस पे नीचे की तरफ 100, तो यहाँ पे इसके अंदर टेंशन आ जाएगा टी, तो इसके अंदर भी टेंशन आ जाएगा टी, तो यहाँ पे टी कितना हो जाएगा आपके पास 100 हो जाएगा। बांध के इसलिएगा इसके अंदर जो टेंशन है वो क्या हो जाएगा आपके पास टी डेस हो जाएगा, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास में 45 डिग्री, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं टी डेस बाई रूट टू, और इसको भी अपन बोलेंगे टी डेस बाई रूट टू। तो यहाँ से जो वर्टिकल इक्विलिब्रियम है उससे अपन लिख सकते हैं कि टी डेस बाई रूट टू इक्वल्स टू कितना देगा टी, तो यहाँ से टी डेस बाई रूट टू इक्वल्स टू टी, और टी इक्वल्स टू कितना देगा अपने पास में 100 न्यूटन। तो यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ है उस एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में टी डेस बाई रूट टू, तो अपन लिख सकते हैं एफ इक्वल्स टू टी डेस बाई रूट टू, और टी डेस बाई रूट टू पहले से अपन कितना पता कर चुके हैं 100 न्यूटन, तो आपका आंसर हो जाएगा 100 न्यूटन, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपको दे रखा है ई वेक्टर इक्वल्स टू ई नॉट आई के प्लस जे के बाई रूट टू कॉस के जेड प्लस ओमेगा टी, और यहाँ पे आपको दे रखा है कि टी इक्वल्स टू जीरो पे एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसको इस पोजिशन से रिलीज किया जाता है, तो इसका आपको इसकी वेलोसिटी आपको दे रही है वी नॉट के एफ, तो इस पे फोर्स है ना वो आपको कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखना, तो सबसे पहले अपन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अपन लिख सकते हैं ई वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ई नॉट, इसको अपन लिख सकते हैं आई के एफ प्लस जे के एफ अपॉन रूट टू, इसके बाद में कॉस के जेड, के को अपन लिख देंगे के, और यहाँ पर जेड कोऑर्डिनेट अपने को कितना देर का है पाई बाई के, और टाइम कितना देर का आपको जीरो देर का है, तो यहाँ से के से अपन के को कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपके पास में कॉस पाई आ जाएगा, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में -1 होती है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको आप लिख सकते हैं माइनस ई नॉट और आई के एफ प्लस जे के एफ अपॉन रूट टू। और अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, एक चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो क्यू इंटू ई वेक्टर, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस क्यू ई नॉट और इसके बाद आई के एफ प्लस जे के एफ अपॉन रूट टू, तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा,
एंटी पैरेलल टू आई के प्लस जे के बाई रूट टू, क्योंकि यहाँ पे आई के प्लस जे के बाई रूट टू के आगे माइनस का साइन आ रहा है, तो ये जो फोर्स है ना वो आई के प्लस जे के बाई रूट टू के एंटी पैरेलल हो जाएगा। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है ये वाई डी एस सी का है, इसके अंदर अपने को ऐसे बोला जा रहा है कि द सेपरेशन बिटवीन द सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेज, तो अपन जानते हैं कि सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेज के बीच का जो सेपरेशन है इसको अपन फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो बेसिकली बात करें कि इसकी बीटा की, तो बीटा इक्वल टू कितना होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब क्वेश्चन के अंदर अपने को लैम्डा दे रखा है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, देखिएगा 589 नैनोमीटर 10 टू द पावर माइनस का 9, और कैपिटल डी स्क्रीन की डिस्टेंस है ये अपने पास 1.5 अपॉन स्मॉल डी। स्मॉल डी कितना दे रखा है अपने पास में, स्मॉल डी होता है जो सेपरेशन होता है स्लिट्स के बीच का वो होता है, तो वो अपने पास में जाएगा 0.15 mm, यानी 10 टू द पावर माइनस का 3, और यदि इसको अपन सोल्व कर देंगे तो ये अपने पास में जाएगा 5.89 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 मीटर, तो इसको अपन लिख सकते हैं लगभग 5.9 mm। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए इस क्वेश्चन में अपने पास में एक चार्ज पार्टिकल है जिसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिलीज करते हैं। अब ध्यान से देखना, देखो अपन बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आई के एफ के लॉन्ग है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपके पास में जे के एफ के लॉन्ग है, तो यही परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसको अपन बोल देंगे वी नॉट। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, वी इक्वल टू क्या देगा आपके पास में यू प्लस एटी, तो इनिशियली कितना देगा आपके पास है जीरो, और ए को अपन क्या लिख सकते हैं क्यू ई नॉट डिवाइडेड बाई एम इंटू आपके पास टी हो गया। अब आपको ये बोला जा रहा है कितने टाइम बाद में इसकी जो वेलोसिटी है वो डबल हो जाएगी। वेलोसिटी डबल होने का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपके पास टू वी नॉट हो जाएगी, तो अपन लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर इक्वल्स टू ये अपन लिख सकते हैं इसको कि वी स्क्वायर इक्वल्स टू v परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस v पैरेलल स्क्वायर। तो v कितना देर का अपने को 2 v नॉट, तो इसका स्क्वायर क्या देगा आपके पास है 4 v नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू v परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना देगा आपके पास है v नॉट स्क्वायर प्लस v पैरेलल, तो पैरेलल कितना देगा आपके पास इसका स्क्वायर कर देंगे तो q स्क्वायर e नॉट स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, और यदि इसको अपन सॉल्व कर देंगे तो आपके पास है q स्क्वायर e नॉट स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इक्वल्स टू 3 v नॉट स्क्वायर, तो यहां से आपके पास है t की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पे रूट 3 m v नॉट अपॉन q e नॉट। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए ये क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट का है, इसके अंदर अपने को ऐसा दे रखा है कि कोई एक स्टेशनरी आपके पास ऑब्जर्वर है, तो ये अपने पास में स्टेशनरी ऑब्जर्वर हो गया, एक तो आपके पास है ये कोई ट्यूनिंग फोर्क है और एक आपके पास है ये कोई ट्यूनिंग फोर्क है, इसको अपन एक नंबर दे देते हैं इसको अपन दो नंबर दे देते हैं, मान के चलिएगा ये भी इधर की तरफ किस वेलोसिटी से यू से, और ये इस प्रकार से यू वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी कितनी हो जाएगी आपके पास में 1400 हर्ट्ज, इसकी भी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपके पास 1400 हर्ट्ज। अब जब ये इसको अप्रोच कर रहा है तो इसको कितनी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी इसकी एनडेस, तो एनडेस को अपन लिख सकते हैं एन इंटू स्पीड ऑफ साउंड है, इसको अपन लिख देते हैं वी अपॉन वी। यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में, और जो सोर्स है इसको अप्रोच कर रहा है तो माइनस का यू, और इसी प्रकार से इसकी फ्रीक्वेंसी इसको कितनी ऑब्जर्व होगी एन डबल डेस, एन डबल डे सिक्स टू एन इंटू स्पीड ऑफ साउंड वी प्लस यू। अब ध्यान से देखना, देखो यहां पे जो एन डेस है वो एन डबल डे से बड़ा हो जाएगा, तो इसको दो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज ऑब्जर्व होगी, तो जिससे इसको बीट सुनाई देंगे, तो बीट फ्रिक्वेंसी अपन लिख सकते हैं
डेल्टा एन, और डेल्टा एन इक्वल्स टू क्या देगा आपके पास, एन डेज माइनस एन डबल डेज। तो इसको आप लिख सकते हैं एन वी अपॉन, इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास वी माइनस यू, वी प्लस यू, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ऊपर क्या बन जाएगा आपके पास में, वी प्लस यू, और इसके बाद में आपके पास बन जाएगा माइनस वी प्लस यू, तो वी से वी कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये आपके पास आ जाएगा टू यू। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखना, तो ऐसा बोला जा रहा है कि ट्यूनिंग फोर्क है, इनकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड के कंपेयर में बहुत कम है, तो यहाँ पे आपके पास जो यू स्क्वायर वाली टर्म है इसको अपन जीरो के वाले कर देते हैं, तो आपके पास बन जाएगा यहाँ पे टू एन वी यू अपॉन वी स्क्वायर। अब अपन यहाँ पे वैल्यू फुट करते हैं, तो यहाँ पे जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो कितना दे रखा है, टू। इसके बाद है टू, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है 1400 हर्ट्ज, स्पीड ऑफ साउंड क्वेश्चन बोल रहा है 350, यू आपको कैलकुलेट करना है अपॉन वी स्क्वायर, वी कितना दे रखा आपके पास है 350, और 350 का होल स्क्वायर कर देंगे, और यदि इसको अपन सॉल्व करते हैं तो आपके पास यू इक्वल टू आ जाएगा 1/4 मीटर पर सेकेंड, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसा बोला जा रहा है कि आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और एक फोटोन है, दोनों की सेम एनर्जी e है, और इन दोनों की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ और जो फोटोन है इसकी वेवलेंथ का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन आपके पास एक मास पार्टिकल है, तो इसकी वेवलेंथ अपन लिख सकते हैं लेमडा इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू एच अपॉन पी, और इसको आप लिख सकते हैं एच अपॉन पी को लिखा जा सकता है रूट ऑफ टू एम ई। इसके बाद में जो फोटोन है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बताओ, अपन जानते हैं कि लेमडा यूज टू क्या होता है आपके पास, एच सी अपॉन ई होता है, ठीक है ना, एच सी अपॉन ई, इन दोनों का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, तो लेमडा इलेक्ट्रॉन अपॉन लेमडा फोटोन इक्वल्स टू एच अपॉन रूट ऑफ टू एम ई एच सी अपॉन ई, और यदि इसको अपन सोल्व करते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा 1/c ई अपॉन टू एम इसकी पावर 1/2, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो RL सीरीज सर्किट का क्वेश्चन है, और इसके अंदर जो करंट है वो टाइम के रेस्पेक्ट में ग्रोथ कर रही है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसका टाइम कॉन्स्टेंट टो, तो टो इक्वल टू क्या होता है अपन जानते हैं सब, L/R होता है, तो यहाँ पे L की वैल्यू अपने पास में कितनी गिवन है 10 मिली हेनरी अपॉन R अपने पास में कितना देगा 5, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 मिली सेकेंड। अब इसके बाद में आपको ऐसा बोला जा रहा है कि T टू इन्फिनिटी, तो T टू इन्फिनिटी पे स्टडी स्टेट आ जाएगा, तो इस स्थिति में जो करंट है वो आपके पास हो जाएगा I इन्फिनिटी इक्वल टू, ये अपने पास होता है V अपॉन R, तो V कितना देर का अपने पास में 20, और R कितना देर का है 5, तो स्टडी स्टेट में जो करंट है वो कितना हो जाएगी 4 एम्पियर हो जाएगी। अब करंट ग्रोथ का जो फॉर्मूला होता है अपन जानते हैं, I इक्वल टू क्या होता है आपके पास में I नॉट, I नॉट आपके पास में 4 एम्पियर हो जाएगा, I नॉट होता है स्टडी स्टेट करंट, I नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस का t ओवर टो, तो यहाँ पर आपके पास में जो I नॉट है ये 4 1 माइनस e टू दी पावर माइनस, टाइम कितना देर का आपके पास में 4 मिली सेकेंड, तो 4 अपॉन ये आपके पास में 2 देगा, तो इसको अपन बोल सकते हैं 4 1 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर, और ई स्क्वायर की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 7.389, तो यदि इसको आप पुट कर दोगे तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली 3.46 आ जाएगा, और आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है करंट एट इन्फाइनाइट टाइम एंड करंट एट 4 मिली सेकेंड, तो इसको आप लिख सकते हैं 4 अपॉन 3.46 जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.15 आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 अपन डिस्कस करने जा रहे हैं लेंस मेकर फॉर्मूला पे बेस्ड है, तो अपन जानते हैं कि कोई भी आपके पास इक्वी कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ एप इक्वल टू आर अपॉन 2 म्यू एल एम माइनस 1, यहाँ पे म्यू एल एम क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। अब ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले इसको अपन एयर में रख रखा है, तो आर अपॉन 2
ये अपने पास हो 1.5 माइनस 1, तो ये आपके पास r बन जाएगा। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। इसके बाद यदि इसको अपन किसी लिक्विड के अंदर रख देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना देर का आपको 1.42 देर का है, तो लिक्विड में हो जाएगा आपके पास FL, तो r अपॉन 2 म्यू एल एल एम, इसको अपन लिखते हैं म्यू एल अपॉन म्यू एम। तो लेंस का कितना देगा आपके पास 1.5, मीडियम का कितना देगा आपके पास 1.42 माइनस 1, और यदि इसको अपन सॉल्व करते हैं तो 8.88 आर। इक्वेशन नंबर 2, टू को अपन 1 से डिवाइड कर देते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा एफ एल अपॉन एफ इक्वल्स टू 8.88 और अप्रोक्सीमेटली 9। तो यहां पे आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। देखिए इसके अंदर ऐसा बोला जा रहा है कि अंडर एन एडियाबेटिक प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज डबल्ड। सीपी बाई सीवी आपको गामा दे गए और टो वन टो टू, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, दो सक्सेसिव कोलिजन्स है उनके बीच का टाइम दे गए। तो सबसे पहले अपन मान के चलते हैं कि आपके पास है टो वन इक्वल्स टू कितना देगा, टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या होती है आपके पास में मीन फ्री पाथ लेमडा अपॉन स्पीड को अपन ले लेते हैं वी, और इसके बाद में टो टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास है लेमडा डेस अपॉन वी डेस। अब ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे अपने पास में ऐसे बोला जा रहा है इसका वॉल्यूम अपन डबल कर देते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में अपन जानते हैं कि टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। तो यहाँ से टी वन वी वन की पावर गामा माइनस वन, टी टू वी टू की पावर गामा माइनस वन। तो इनिशियल टेम्परेचर अपन टी मान लेते हैं, वॉल्यूम अपन वी मान लेते हैं गामा माइनस वन, और फाइनली टेम्परेचर अपन टी डेस मान लेते हैं, और वॉल्यूम कितना देगा आपके पास में 2V। क्वेश्चन में आपको गिवन है तो गामा माइनस वन, तो यहाँ से आपके पास में जो टी डेस है इस टी डेस को आप लिख सकते हैं टी अपॉन 2 की पावर गामा माइनस वन। ये तो आपके पास में फाइनल टेम्परेचर आ गया। अब ध्यान से देखना, देखो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो ऑब्वियसली जो एवरेज स्पीड है वो भी चेंज होगी। तो एवरेज स्पीड वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी होता है। तो यहाँ से अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वी डे इक्वल टू रूट ऑफ टी। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना हो रहा है आपके पास में 1/2 to the power γ-1। तो यहाँ पे आपके पास में वी डे कितना देगा 1/2 to the power γ-1/2, ये आपके पास में वी डे आ जाएगा। और ध्यान से देखना, देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं इंटू वी, ये वी भी कर देंगे अपन। तो इसको लिखा जा सकता है 2 to the power 1 minus γ/2 इंटू आपके पास में वी आ गया। अब आपके पास में वी डेस आ चुका है। अपन जानते हैं कि मीन फ्री पाथ लेमडा का फॉर्मूला होता है वी अपॉन रूट टू पाई डी स्क्वायर इंटू एन। ये सारी की सारी चीज़ें हैं ये कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ से आपके पास है लेमडा डायरेक्टली प्रपोर्सनल टू वी। यहाँ पर आपने वॉल्यूम को डबल कर दिया है, तो वॉल्यूम को डबल करने से लेमडा डेस इक्वल्स टू कितना देगा आपके पास है 2 लेमडा जाएगा। अब अगर आपको जैसे टोटू निकालना है तो टोटू कितना देगा आपके पास में लेमडा डेस बाई वी डेस, तो लेमडा डेस को अपन बोलेंगे 2 लेमडा अपॉन वी डेस को अपन बोलेंगे, यहाँ पे वी डेस अपन ये निकाल रखा है 2 to the power 1 minus γ/2 into V। और यदि इसको अपन सोल्व कर देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 1/2 to the power γ+1/2। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि 2 आइडियल कार्नोट इंजन्स ऑपरेट्स इन कैस्केड। कैस्केड का मतलब होता है कि जैसे कोई भी एक हीट इंजन है जो हीट रिलीज कर रहा है वो हीट दूसरे इंजन के द्वारा काम में ली जा रही है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, देखो फर्स्ट इंजन है उसकी एफिशिएंसी अपन लिख सकते हैं η1 = ये आपके पास हो जाएगा 1, इसके बाद माइनस t/t1, और इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पे वर्क डन अपॉन हीट। तो यहाँ से इसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ध्यान से देखने को, t1 - t/t1 इक्वल्स टू w/q। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब ध्यान से देखना, देखो दूसरा जो हीट इंजन है
उसकी एफिशिएंसी ईटा टू इक्व टू, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे वन माइनस टी टू अपॉन टी इक्व टू। अब क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है कि दोनों जो हीट इंजन है उनका वर्कडन बराबर है, तो इसका वर्कडन है वो भी कितना देगा आपके पास है डब्ल्यू। और ध्यान से देखना तो इसको कितना हीट इनपुट मिलेगा, इसका हीट इनपुट है वो इसके आउटपुट के इक्वल हो जाएगा। अब इस इंजन को अपन ने क्यू हीट दी, उसमें से इसने डब्ल्यू वर्कडन कर दिया, तो ये कितनी हीट रिलीज करेगा क्यू माइनस डब्ल्यू। तो यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं, ध्यान से देखना देखो टी माइनस टी टू अपॉन टी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू माइनस डब्ल्यू। तो यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं टी अपॉन टी माइनस टी टू इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। तो यहाँ से आपके पास है क्यू बाई डब्ल्यू, माइनस कितना हो जाएगा आपके पास वन हो जाएगा। और ध्यान से देखना देखो, यहाँ से आपके पास में जो क्यू बाई डब्ल्यू है इसकी वैल्यू इक्वेशन वन से अपन इसके अंदर पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा टी अपॉन टी माइनस टी टू इक्वल्स टू क्यू बाई डब्ल्यू। तो क्यू बाई डब्ल्यू को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, ये टी वन अपॉन टी वन माइनस टी, माइनस क्या हो जाएगा आपके पास वन हो जाएगा। और यदि इसको अपन सोल्व कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा टी इक्वल्स टू टी वन प्लस टी टू बाई टू, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर अपने को एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्क गिवन है, और इसका अपने को सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपन ये डिस्क बनाते हैं। अब ध्यान से देखना, इस डिस्क के अंदर अपन क्या करते हैं, एक एलिमेंट रिंग है वो कंसिडर करते हैं। इसकी जो रेडियस है वो आर, और इसकी थिकनेस है वो कितनी देगी आपके पास में डी आर। तो ध्यान से देखना तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एलिमेंट रिंग का एरिया, इसको आप लिखते हैं डी ए। तो डी ए इक्वल्स टू कितना देगा आपके पास में टू पाई आर इंटू डी आर। अब यहाँ पे जो मास पर यूनिट एरिया है वो आपको गिवन है ए प्लस बी आर, तो इसका मास कितना देगा आपके पास है डी एम इक्वल्स टू रो इंटू डी ए। तो इसको आप लिख सकते हैं टू पाई आर डी आर इंटू, ये आपके पास में देगा ए प्लस बी आर। तो इसको आप लिख सकते हैं टू पाई ए आर प्लस बी आर स्क्वायर डी आर, यदि इसका मास हो जाएगा। अब ध्यान से देखना तो ये आपके पास एक रिंग है, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन जानते हैं एम आर स्क्वायर होता है। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना देगा एलिमेंट रिंग का, डी आई इक्वल टू डी एम, इसकी रेडियस कितनी देगी आर, तो आर स्क्वायर। इसको फिर अपन आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टू पाई ए आर क्यू प्लस बी आर टू दी फोर फोर इंटू डी आर। अब यहाँ पर ये अपने पास जो मोमेंट ऑफ इनर्सी आ रहा है ये एलिमेंट रिंग का आ रहा है, और यदि इसका अपन ने जीरो से लेकर के ए तक इंटीग्रेशन कर दिया तो अपने पास में कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्सी आ जाएगा। तो कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्सी आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। तो इसको अपन लिख सकते हैं टू पाई ए आर क्यूब प्लस बी आर टू दी फोर फोर डी आर इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए। टू पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसके बाद में ए आर टू दी फोर थ्री, तो ए टू दी फोर फोर अपॉन फोर प्लस बी ए टू दी फोर फाइव अपॉन फाइव। यहाँ से टू पाई ए टू दी फोर फोर, इसको अपन बाहर कॉमन निकाल लेंगे, ए बाई फोर प्लस बी ए अपॉन फाइव ए टू द पावर फोर, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सेकेंड जा रहा है इसका। नेक्स्ट देखिए, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 रेडियोएक्टिविटी का क्वेश्चन है, इसके अंदर अपने को ऐसा बोला जा रहा है कि 30 मिनट में इसकी जो एक्टिविटी है वो 700 से 500 तक डिक्रीज हो जाती है।
तो इसकी जो हाफ लाइफ है वो अपने को कैलकुलेट करनी है। तो ध्यान से देखना, देखो अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, आर इक्वल्स टू आर नॉट अपन टू 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 द पावर एन, टू की पावर एन इक्वल्स टू आर नॉट अपन आर, तो आर नॉट आपके पास है 700 अपॉन 500, ये आपके पास है 7/5, बोथ साइड से लॉग ले लेंगे तो एन लॉग 2 इक्वल्स टू लॉग 7 माइनस लॉग 5, तो यहां से आपके पास एन, यहां पे एन होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, तो इसको अपन बोल सकते हैं लॉग 7 माइनस लॉग 5 अपॉन लॉग 2। लॉग 7 की वैल्यू अप्रोक्स 0.85, लॉग 5 की वैल्यू होती है अप्रोक्स 0.7 और लॉग 2 की वैल्यू होती है अप्रोक्स 0.3। तो यहाँ से इसको सोल्व करने से अपने पास में एन की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और अपन जानते हैं कि एन की वैल्यू कितनी होती है आपके पास में स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, तो यहाँ से आपको कैपिटल टी इक्वल्स टू 2t, टाइम कितना देर का आपके पास में 30 मिनट्स, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास में 60 मिनट, तो 60 मिनट के आसपास में अपना आंसर जा रहा है फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से सोल्व होगा, तो अपन लिखते हैं बाई अपन जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए वन वी वन इक्वल टू क्या होता है ए टू वी टू होता है, तो यहां से आपके पास में वी वन अपॉन वी टू इक्वल टू ए टू अपॉन ए वन इक्वल टू क्या होता है आपके पास में आर टू अपॉन आर वन का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, देखो इसके अंदर आपके पास जो आर टू है वो देगा 4.8 और आर वन देगा 6.4, इसका अपन होल स्क्वायर कर देंगे तो ये आपके पास में अप्रोक्सीमेटली 9/16, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, इसके अंदर एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर कुछ इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं जो बिल्डिंग है उसकी टोटल पावर कैलकुलेट करते हैं, तो अपन लिख देंगे टोटल पावर ऑफ ए बिल्डिंग इक्वल्स टू, यहाँ पे अपने पास में 15 बल्ब्स हैं 45 वाट्स के, और 15 फैंस हैं 10 वाट के, यहां पे आपके पास में दो हीटर हैं 1 किलोवाट के, अब ध्यान से देखना, देखो यदि इसको अपन पूरे को सोल्व कर देंगे तो अपने पास में आ जाएगा 43,250 वाट, और आपको जो घर में वोल्टेज है वो दे रखी 220 वोल्ट। अपन जानते हैं कि पी इक्वल टू क्या होता है वी इंटू आई, तो यहाँ से आई इक्वल टू देगा आपके पास में पी अपॉन वी, तो 4325 अपॉन 220 सॉल्व करते हैं तो 19.65 एम्पियर। तो ध्यान से देखना, देखो अपने को एक ऐसा फ्यूज वायर चाहिए जो कम से कम 19.65 एम्पियर को सेंड कर सकता है, तो 19.65 से थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए, तो 20 एम्पियर इसका सही आंसर जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में जैसा कि अपन देख सकते हैं कि अपने पास में एक डायोड है और डायोड फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है, और ये जो डायोड फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है तो फॉरवर्ड बायस में इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है 0 होता है, यहाँ पर डायोड को अपन आइडियल मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो डायोड है इसको अपन सिंपल वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, तो सर्किट को अपन दोबारा से ड्रॉ करते हैं, तो ये अपने पास है 30 वोल्ट की एक बैटरी होगी, और ये अपने पास है कितना जाएगा 10 किलो ओम, और यहाँ पर ये आपके पास है 10 किलो ओम और ये आपके पास है 10 किलो ओम, तो 10 10 इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना देगा 5 किलो ओम, तो 5 किलो ओम। इस पॉइंट को अपन बोलेंगे ए और इस पॉइंट को अपन बोल देंगे बी बोल देंगे। अब ध्यान से देखना, तो यहाँ पे आपको ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है, यानी ओब्वियसली अपने को 5 किलो ओम है, इस पे
पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। तो अपन जानते हैं कि वी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर, सीरीज में आई कॉन्स्टेंट हो गया तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ पर आपके पास में वी टेन रेशियो वी फाइव इक्व टू टेन रेशियो फाइव यानी टू रेशियो वन। तो यहाँ पर आपको वी ए बी कैलकुलेट करना है, तो ये किसके बराबर देगा, वी फाइव के बराबर, और वी फाइव को अपन क्या बोल सकते हैं, वन बाई थ्री इंटू टोटल कितना देगा आपके पास है थर्टी, तो ये आपके पास आ जाएगा टेन वोल्ट। तो टेन वोल्ट इज करेक्ट ऑप्शन, थर्ड आंसर सी जाएगा इसका। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक अपने को एलिवेटर दे रखा है और ऐसे बोला जा रहा है कि मतलब जो अपने को सबसे पहले नेट पुलिंग फोर्स निकालना है, नेट पुलिंग फोर्स इक्वल टू सबसे पहले जो एलिवेटर है, इस एलिवेटर के अंदर जो भी इस एलिवेटर का खुद का मास हो जाएगा 920, तो ये इसका वेट हो गया 9200। और इसके अंदर ध्यान से देखना, देखो 68 केजी के 10 पर्संस हैं, तो 680 केजी मास हो गया, वेट हो जाएगा 6800। और यहाँ पे आपके पास में 6000 न्यूटन का एक फ्रिक्शनल फोर्स भी पीछे की तरफ लग रहा है, तो इन सब को अगर अपन ऐड कर देंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 22000 न्यूटन। ये तो आपके पास में टोटल पुलिंग फोर्स आ गया। और अपन जानते हैं कि पावर पी इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू वी, तो 22000 फोर्स और स्पीड आपको दे रहेगा 3, तो ये आपके पास है 66000 वोल्ट। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो यूनिट एंड डायमेंशंस का है। सिंपली अपन जानते हैं मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ते हैं अपन कि बी स्क्वायर अपन टू वी नॉट, ये क्या होती है, ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है। और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, यूनिट वॉल्यूम की मैग्नेटिक एनर्जी होती है। तो अपन जानते हैं इक्वल्स टू मैग्नेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, और यही आपके पास में किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर अपॉन टू मी नोट होता है। तो इसकी मैग्नेटिक एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशंस क्या होती है, एम वन एल टू टी माइनस टू अपॉन वॉल्यूम, इसकी एल थ्री, तो एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। तो फोर्थ ऑप्शन एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर जो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके लिए अपन जो बी और एच के बीच में ग्राफ बनाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको क्या क्या पूछा जा रहा है, द फिगर गिव्स एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड बी वर्सेज एच वेरिएशन इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, द रिटेंटिविटी। अब बात सुना भी, रिटेंटिविटी क्या होती है, देखो जब जो एच है इसको अपन जीरो कर देते हैं तो इस स्थिति में आपके पास में जो बी आता है, इस बी को ही अपन क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, तो एच को जीरो करने के बाद में बी कितना बच रहा है अपने पास में, वन, तो इसको अपन बोल सकते हैं वन टेस्ला, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो दूसरा आपको पूछा जा रहा है कोर्सिविटी, तो कोर्सिविटी क्या होता है, वेन बी इक्वल्स टू जीरो, तो इस स्थिति में जो एच होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, कोर्सिविटी बोलते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि आपके पास जो रिटेंटिविटी है इसको नष्ट करने के लिए, इसको वैनिश करने के लिए अपन जो अपोजिट डायरेक्शन में जो एच अप्लाई करते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, कोर्सिविटी बोलते हैं। तो ध्यान से देखना, तो ये जो बी है इस बी को जीरो करने के लिए अपन ने कितना अप्लाई किया है, माइनस का 50, तो इसको अपन बोलेंगे माइनस का 50 एम्पियर पर मीटर। इसके बाद ध्यान से देखना, तो तीसरा आपको पूछा जा रहा है सेचुरेशन, अगर अपन जैसे जैसे एच की वैल्यू इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे बी की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो बी की जो मैक्सिमम वैल्यू है इसी को अपन बोलते हैं सेचुरेशन बोलते हैं। तो जो बी की वैल्यू जो मैक्सिमम होती है इसी को अपन क्या बोलते हैं, सेचुरेशन। तो सेचुरेशन कितना हो जाएगा आपके पास में, बी मैक्स, और बी की मैक्सिमम वैल्यू अपन देख सकते हैं कितनी आ रही है आपके पास में, ये वन और टू इन दोनों के बीच में कितना देगा, 1.5 टेस्ला। तो वन टेस्ला
माइनस 50 या 50 एम्पियर पर मीटर और 1.5, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर अपने को ऐसा बोला जा रहा है कि कोई भी बॉक्स है और नॉर्थ पोल पे इसका जो वेट है कितना भी 196 है। अपन जानते हैं कि जो वेट होता है वो किसके बराबर होता है, एमजी के बराबर होता है। तो ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं 8 पोल्स, पोल्स पे जो जी है इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर उसके बाद 8 इक्वेटर, इक्वेटर पे अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, जी ई। इक्वेटर पर आपको पता है कि अर्थ की रोटेशन की वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम हो जाता है, तो ये अपने पास हो जाएगा 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद में ध्यान से देखना, देखो नॉर्थ पोल ऐसे बोला जा रहा है कि जब इसको अपन इक्वेटर पर शिफ्ट कर देते हैं तो इसका वेट कितना देगा, तो ऐसे लिख सकते हैं वेट एट इक्वेटर अपॉन वेट वेट एट पोल इक्वल्स टू एम से एम तो कट ही जाएगा, जी ई अपॉन जी पी। तो वेट एट इक्वेटर अपॉन पोल्स पे जो वेट है वो कितना देर का आपको 196 इक्वल्स टू इक्वेटर पे कितना देर का है जी 9.78 अपॉन 9.81। और यदि इसको अपन सोल्व करते हैं तो ये आपके पास है 195.40 न्यूटन, ये अप्रोक्स आंसर आएगा। तो 195.32 ये इसके आसपास का आंसर है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर अपने को कोई भी एक बॉक्स है और इस बॉक्स पे अपन क्या करते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अपन इसके सेंट्रोमास है, ये इसका सेंट्रोमास हो गया, इसे बी हाइट ऊपर अपन एक फोर्स अप्लाई करते हैं, ये वाली जो डिस्टेंस आपके पास में बी दे रखी है और इसकी जो साइड है वो आपको ए दे रखी है, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितने देगी आपके पास है ए बाई टू। तो ये जो फोर्स है आगे की तरफ लगाएंगे तो इसमें मोशन की टेंडेंसी जनरेट होगी, तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग जाएगा, एफ इक्वल्स टू म्यू एम जी। अब ध्यान से देखना, देखो अगर इसको आपको स्लाइड करवाना है तो स्लाइडिंग स्टार्ट करवाने के लिए जो एफ है वो किसके बराबर होना चाहिए, कम से कम फ्रिक्शन के बराबर, तो ये तो आपके पास में म्यू एम जी के बराबर होना चाहिए। अब एक इसके सेंट्रोमास पे नीचे की तरफ इसका एम जी लग रहा है और इस पॉइंट के अबाउट ये टॉपलिंग कर सकता है, ओके अबाउट। तो ध्यान से देखना, तो ऐसे बोला जा रहा है कि नॉट टू टॉपल, तो टॉपलिंग से कौन इसको बचा रहा है एम जी, कौन इसको टॉपलिंग करवाना चाह रहा है एफ। तो ध्यान से देखना, तो इसका जो एम जी का टॉर्क है वो इस एफ के टॉर्क के बराबर होना चाहिए, मतलब एम जी का टॉर्क एफ के टॉर्क से ज़्यादा होना चाहिए। और अपने को यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है किसकी, बी बाई ए की, तो इसके लिए अपन इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास एम जी इसका टॉर्क कितना देगा बताइएगा, यहाँ से इसकी ये वाली डिस्टेंस ए बाई टू इक्वल्स टू एफ, एफ की वैल्यू अपन कितनी निकाल चुके हैं म्यू एम जी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी देगी आपके पास में बी प्लस ए बाई टू, बी प्लस ए बाई टू। यहाँ से एम जी से अपन एम जी को कैंसिल आउट कर देंगे और म्यू की वैल्यू कितनी देगी आपके पास में 0.4, और यदि इसको अपन सोल्व करते हैं तो यहाँ से अपने पास में जो बी बाई ए है इसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी 0.75। और क्वेश्चन में अपने को बोला जा रहा है कि 100 बी बाई ए, तो इसकी वैल्यू कितनी देगी आपके पास है 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल्स टू 75। तो ये एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलोरीमीट्री की प्रॉब्लम है ये, इसके अंदर अपन कंसेप्ट लगाएंगे कि हीट गिवन इक्वल्स टू हीट टेकन, तो यहाँ पे हीट कौन दे रहा है, ध्यान से देखना, तो स्टीम है, स्टीम का मास कितना दे रखा है एम, तो सबसे पहले पूरी की पूरी जो स्टीम है इसको अपन क्या करवा देते हैं कंडेंस करवा देते हैं, तो एम, और इसका इसकी जो लेटेंट हीट है ये अपने को कितनी दे रखी है 540 दे रखी है, ठीक है ना, और प्लस मिक्सर का जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना आपके पास में 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, यानी जो स्टीम है वो कंडेंस होगी तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको वाटर प्राप्त होगा, ये 40 तक आएगा, इसका मतलब ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड का फॉल और करेगा, तो इसके लिए अपन एम एस डेल्टा टी लगा देते हैं। तो एम पानी के लिए एस कितना होता है 1 और डेल्टा टी
ये कितना देगा आपके पास 100 से 40 देगा 60 इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखना देखो 200 ग्राम ऑफ आइस एट मेल्टिंग पॉइंट, तो सबसे पहले जो आइस है इसको आपको मेल्ट करवाना है, तो 200 इंटू इसकी लेटेंट हीट होती 80 प्लस, आइस के मेल्ट होने से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको वाटर प्राप्त होगा और इस वाटर को यहाँ से आपको 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाना है क्योंकि मिक्सर का फाइनल टेम्परेचर है वो आपके पास में 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो एम कितना देगा आपके पास में 200, वाटर के लिए एस 1 होता है और डेल्टा टी 0 to 40 ये आपके पास में ये आ गया, तो इसको आप बोल सकते हैं 600 m इक्वल्स टू +8,000 = 24,000, तो यहां से आपके पास m इक्वल्स टू कितना देगा 40 ग्राम, तो 40 ग्राम इज एग्जैक्ट आंसर, तो सही आंसर हो जाएगा इसका 40 ग्राम, यानी इस प्रोसेस के लिए अपने को 40 ग्राम स्टीम की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है वेक्टर का क्वेश्चन है, इसके अंदर अपने को ऐसे बोला जाए द सम ऑफ टू फोर्सेस पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर वेक्टर सच दैट आर इक्वल्स टू पी, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं ध्यान से देखना, देखो ये अपने पास में पी हो गया और इसके बाद में ये आपके पास में क्यू हो जाएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये अपने पास आर हो जाएगा, पी को भी अपन एक्स बोल देते हैं, आर को भी अपन एक्स बोल देते हैं, ये एंगल 90 हो गया तो ये भी एक्स ये भी एक्स, तो ये अपने पास है 45 और ये वाला एंगल भी कितना देगा आपके पास है 45 डिग्री। अब ध्यान से देखना देखो, आपको बोला जा रहा है 2p, तो p को अपन क्या कर देते हैं 2 टाइम्स कर देते हैं, ये 2p हो गया, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये आपके पास है 2p होगी। अब इस 2p का q के साथ में रिजल्टेंट ये बन जाएगा, इसको अपन बोल देते हैं आर डैश वेक्टर, तो ये अगर आपके पास x है तो ऑब्वियसली ये भी आपके पास x हो गया, तो ये वाला एंगल भी कितना देगा आपके पास है 45 डिग्री। अब ध्यान से देखना देखो, 2p वेक्टर और q वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट आपके पास आर डैश वेक्टर देगा और आर डैश वेक्टर का q वेक्टर के साथ में एंगल फाइंड आउट करना है। इज 45 प्लस 45 इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर अपने को पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कोई भी आपके पास में जो सेकेंडरी सेल होता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखना देखो, जो सेकेंडरी सर्किट है इसके अंदर जो सेल है इससे अगर आपने कोई रेजिस्टेंस नहीं जोड़ रखा है, इसको आपने शॉर्ट सर्किट नहीं कर रखा है, तो इस तरह में इसकी जो बैलेंसिंग लेंथ है इसको अपन एल नॉट से लिखते हैं, तो ये कितना दे रहा है आपको 560 सेंटीमीटर। अब ऐसे बोला जा रहा है कि इसको अगर आपने 10 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया तो जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर से ड्रॉप हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ऑब्वियसली अगर जैसे सेकेंडरी सर्किट का सेल है वो करंट देगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF से कम हो जाएगी, जैसे बैलेंसिंग लेंथ है वो कम ही होगी, तो 560 में से अपने को 60 माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ से आपके पास L कितना देगा 560 माइनस 60 इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर। अब अपन जानते हैं R की वैल्यू अपने को यहाँ पे दे रखी है, R इक्वल्स टू कितना दे रखा है 10 ओम, तो स्मॉल R का फॉर्मूला होता है एक L नॉट माइनस L अपॉन L इंटू R, तो डायरेक्टली अपन इसको सॉल्व कर देंगे, तो 560 माइनस 500 अपॉन 500 R कितना हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा, तो इसको सोल्व कर देंगे तो ये अपने पास में 655 आ जाएगा और क्वेश्चन में इसको क्या बोला जा रहा है N बाई 10 बोला जा रहा है, तो यहाँ पे सोल्व करने से N की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी 12, तो N इज 12, तो 12 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है ये कैपेसिटर्स के बीच में शेयरिंग ऑफ चार्जेस का क्वेश्चन है, इसके अंदर सबसे पहले अपने को बोला जा रहा है कि 60 पिकोफेरेड का कोई कैपेसिटर है और इसको अपन 20 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ देते हैं, तो सबसे पहले इसके पास में इनिशियल एनर्जी निकाल लेते हैं,
u initial equals to half c1 v1 square. तो ये आपके पास half c1 आपके पास हो जाएगा 60 picofarad 10 to the power minus 12, v square कितना देगा 20 square कर देंगे, ये आपके पास में 400, तो solve कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा 12 nanojoule. अब यहाँ पे इस capacitor को अपन ने कोई दूसरे 60 picofarad के अनचार्ज्ड कैपेसिटी के साथ में पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो अपने पास में एक कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा. कॉमन पोटेंशियल, तो कॉमन पोटेंशियल होता है v c1 v1 प्लस c2 v2 अपॉन c1 प्लस c2. और यदि इसको अपन सोल्व कर देंगे तो ये अपने पास में देगा 10 वोल्ट, क्योंकि 20 वोल्ट है दोनों में, आधा आधा बंट जाएगा तो 10 वोल्ट दोनों के पास में आ जाएगा. तो इसके बाद में अपन निकालते हैं फाइनल एनर्जी u फाइनल इक्वल्स टू, तो इसको अपन बोल सकते हैं हाफ c1 प्लस c2, तो कितना देगा आपके पास है 60 प्लस 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12, v कितना देगा 10, स्क्वायर कितना देगा 100, तो सोल्व कर देंगे तो ये अपने पास में कितना देगा 6 नैनोजूल. यहाँ पे अपने को एनर्जी लॉस कैलकुलेट करना है तो एनर्जी लॉस को अपन लिख सकते हैं डेल्टा यू इक्वल्स टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल. तो 12 नैनोजूल माइनस 6 नैनोजूल कितना देगा आपके पास है 6 नैनोजूल. तो नैनोजूल में आपको आंसर पूछा जा रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग.